Don't forget to click on bell icon to get all latest updates. परिणीति चोपड़ा भारतीय फिल्म की जानी मानी अभिनेत्री है जो कि हिंदी फिल्मों में दिखाई देती है और लोग उन्हें प्यार से परी भी कहते हैं। परिणीति का जन्म 22 अक्टूबर 1988 को अम्बाला हरियाणा में हुआ था। वो एक पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखती है। उनके पिता का नाम पवन चोपड़ा है जो कि एक बिजनेसमैन और सप्लायर है जो अम्बाला कैंटोनमेंट में भारतीय थल सेना को सप्लाई करते हैं और उनकी माँ का नाम रीना चोपड़ा है जो एक गृहिणी है। उनके दो भाई भी है जिनका नाम शिवांग और सराज है। परिणीति की शुरुआती पढ़ाई कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी अम्बाला से हुई थी। परिणीति पढ़ाई में काफी अच्छी स्टूडेंट थी। 17 साल की उम्र में वो लंदन चली गई, जहां से उन्होंने मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से बिजनेस फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। परिणीति स्कूल के दिनों में ही काफी अच्छी पढ़ाई करती थी और 10वीं कक्षा में पूरे देश में पहले नंबर पर आई थी और तब उन्हें पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के हाथों पुरस्कार भी दिया गया था। 2009 की आर्थिक मंदी के दौरान वो मैनचेस्टर से भारत लौटी तो उन्होंने एक रिलेशन कंसल्टेंट के तौर पर यशराज फिल्म के साथ काम शुरू किया। बाद में अभिनेत्री के तौर पर 3 फिल्मों में कार्य करने का समझौता किया। उन्हें उनकी पहली ही फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। परिणीति ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल से की थी। इसमें मुख्य भूमिका में रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा थे। हालांकि परिणीति के काम को आलोचकों की तारीफ मिली और कई पुरस्कार भी उन्होंने अपने नाम किए, जिसमें फिल्म फेयर महिला प्रथम अभिनय पुरस्कार भी शामिल है। परिणीति चोपड़ा ने मुख्य भूमिका निभाई हबीब फैजल की फिल्म इश्कजादे में। ये उनकी दूसरी फिल्म थी। ये फिल्म कमर्शियल तौर पर सफल थी और साथ ही समीक्षकों ने भी इसे खूब सराहा था। इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी दिया गया था। इसके बाद शुद्ध देसी रोमांस और हंसी तो फंसी फिल्मों में भी परिणीति के काम को सराहा गया था। परिणीति ने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया और अपने नाम को स्थापित किया। वो फिल्मों के साथ साथ कई ब्रांड्स को एंडोर्स करती भी दिख रही है। एक अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ ही परिणीति एक बहुत ही अच्छी सिंगर है और उन्होंने संगीत में भी डिग्री हासिल की है। उनके अच्छे एक्टिंग स्किल्स के साथ ही परिणीति अपनी लव लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहती है। पहले खबर आई थी कि परिणीति यश चोपड़ा के छोटे बेटे उदय चोपड़ा को डेट कर रही है तो कभी उनका नाम इश्कजादे के कोस्टार अर्जुन कपूर के साथ भी जोड़ा गया। ये अफवाह थी या सच्चाई इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। इसके बाद परिणीति चोपड़ा यशराज कैंप से जुड़े मनीष शर्मा को डेट कर रही थी। मनीष शर्मा का नाम शायद आपके लिए नया हो, लेकिन ये वही मनीष है जिन्होंने लेडीज वर्सेस रिकी बहल के जरिए बॉलीवुड में कदम रखने के लिए परिणीति चोपड़ा की सहायता की थी। लेकिन ये बात भी अफवाह थी या सच्चाई इसकी भी पुष्टि नहीं हो पाई। अभी हाल ही में खबर आई है कि परिणीति एक असिस्टेंट डायरेक्टर चरित देसाई को डेट कर रही है। 2016 में परिणीति और चरित ड्रीम टीम टूर पर मिले थे। फिलहाल परिणीति चोपड़ा बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक है और शायद उन्हें ब्यूटी विद ब्रेन कहना गलत नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।